घर से बगावत कर साउथ की सुपरस्टार बनी इटावा की प्रिया वाजपेयी। फिल्मी सफर पर कई खुलासे। पिता बीमा कंपनी में अधिकारी हो, मां शिक्षा विभाग में काम करती हो, तो उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों के बच्चे अपना करियर ज्यादा दूर का नहीं सोच पाते। लेकिन इटावा में जन्मी प्रिया वाजपेयी के नाम का डंका मुंबई से लेकर तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा तक गूंज रहा है। आपका म्यूजिक वीडियो तेरा शहर तो खूब धमाल मचा रहा है, क्या कह रहे हैं इस वीडियो को लेकर आपके चाहने वाले। टी सीरीज के इस म्यूजिक वीडियो को लाखों लोग अब तक देख चुके हैं, लेकिन सबसे सटीक बात मेरी एक दोस्त ने बताई, वह ये कि इस वीडियो में मेरे किरदार को एक बहुत ही बारीक रेखा पर चलना था। जरा सा इधर उधर होता तो मेरा किरदार वहम के किरदार में बदल सकता था, पर इस वीडियो का यही चैलेंज था और मुझे खुशी है कि मैं इस कसौटी पर खरी उतरी। आपने घर वालों से बगावत कर सिनेमा में कदम रखा, तमाम सुपरहिट फिल्में साउथ में दी और अब हिंदी सिनेमा भी आपको फिर बुला रहा है, तो क्या तैयारी है आगे की? हाँ, ये सच है कि घर वाले मुझे फिल्मों में नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन मैंने घर वालों से बात की और उनकी भावनाएं भी समझी। हर माता पिता को अपने बच्चों की चिंता रहती है, वे भी यही कहते थे कि हमारा कोई जानने वाला न मुंबई में है और न फिल्म इंडस्ट्री में, तो जो कुछ करना है सब मुझे अपने बूते करना है। चुनौतियों का भूलने की मुझे लगता है मेरे अंदर शुरू से आदत रही है। तो साउथ की सफलता का हिंदी सिनेमा में कितना फायदा हो रहा है? दक्षिण भारतीय फिल्मों की मैं हमेशा ऋणी रहूंगी खुद को एक बेहतर अभिनेत्री बनाने में मदद करने के लिए। मैंने सिनेमा का कखग वहीं सीखा है। कैमरे को कैसे फेस करना है, कहाँ से लाइट पकड़नी है, कैमरे के सामने कितना चलकर कहाँ रुकना है, सब मैंने वहीं के निर्देशकों से और तकनीशियनों से सीखा। हिट फिल्मों का जश्न मनाना सीखा, फ्लॉप फिल्म को सबक मानकर आगे बढ़ना सीखा। हिंदी सिनेमा मेरी अपनी मातृभाषा का सिनेमा है, पर वहाँ की भाषाएं सीखने का भी अलग फायदा रहा। OTT के विस्तार ने अभिनेताओं के सामने अपार संभावनाएं खोल दी हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, मेरे पास तकरीबन रोज ही किसी न किसी वेब सीरीज का प्रस्ताव आता है, लेकिन मेरा मानना है कि अभिनेताओं को वेब सीरीज या सिनेमा की कैटेगरी में नहीं बांटना चाहिए। बड़े शहरों के वेब कंटेंट में आने से यह हालात आने वाले दिनों में और बेहतर होंगे, ऐसा मेरा मानना है।